हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पूरी ताकत से आप फिजिक्स स्टडी कर रहे होंगे। बड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा ही डिस्कसिंग टॉपिक आपको मुझे आज बताना है, वो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही जाहिर है, इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के पोटेंशियल इक्वल हो, दैट्स कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। एनी सरफेस विच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए इसके बारे में थोड़ा और जाने। ये तो क्लियर हो गया कि द एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस हैव अ सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बाई डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो। यहां से अगर हम बात पकड़ें तो आपको समझ आना चाहिए, इफ पॉइंट्स ए एंड बी एट इक्विपोटेंशियल सरफेस then potential of B is equal to potential of A, so that अगर ये दोनों same potential point है इसका मतलब इसकी value zero आ गई, इसलिए W A B upon Q zero is equal to zero, it implies that W A B is equal to zero। इसका मतलब क्या हुआ कि equipotential surface पर ये equipotential surface हो गया, अगर आप ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक किसी को अगर ले जा रहे हैं आप किसी चार्ज को, तो कुल जो बर्डन होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए आपके लिए। यहां तक अगर कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको नहीं समझ में आई हो बताइए। तो पहली बात मैंने कही कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके किसी भी पॉइंट के जो पोटेंशियल होते हैं वो सेम होते हैं। दूसरा, डिफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस से मैंने समझाया, पोटेंशियल डिफरेंस समझाया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो। डब्ल्यू ए बी मीन्स वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू जीरो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप देख रहे हैं, अगर ए और बी का पोटेंशियल बराबर है तो ए माइनस बी जीरो हो जाता है, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू जीरो ये जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो के बराबर आता है। फर्दर दूसरी कंडीशन आप जान गए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। फर्दर बाई डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए दैट इज माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल, इफ A and B at equipotential surface VB is equal to VA, then minus of integration A to B E dot DL is equal to zero। E dot DL is equal to zero का मतलब हो गया is perpendicular to DL। DL क्या है? DL माने
ए से बी तक चली गई दूरी ये, और वो ई के परपेंडिकुलर किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ए डॉट बी अगर जीरो है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों 90 डिग्री होते हैं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस की वैल्यू कब जीरो 90 डिग्री पर, इसका मतलब ई और डीएल ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहां पर ये अगर डीएल है तो ई इसके परपेंडिकुलर दिस मच, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो निष्कर्ष आपके बड़े सीधे सीधे निकल गए और दोनों बातें आपको समझ लेनी चाहिए। क्या चीज, पहली बात वर्गडन इन मूविंग अटैच चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव कराने पर वर्डन जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर क्लियरली मैंने शो किया आपके लिए कि वर्डन जीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल माने यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया वर्डन, ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो यूनिट को ले जाने में वर्डन जीरो होगा या किसी को भी ले जाने में वर्डन जीरो होगा। इसके अलावा दूसरी बात, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा डीएल अर्थात इक्विपोटेंशियल में चली गई दूरी के परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो कुल मिला के इक्विपोटेंशियल सरफेस को आप तीन ढंग समझ सकते हैं, बेसिक डिफिनेशन द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस हैव अ सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट्स पर अगर आप टेस्ट चार्ज या चार्ज ले जाते हैं तो वो वर्डन जीरो होता है। और तीसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी ये बात लास्ट में यूज भी करेंगे जब हम आपको पोटेंशियल ड्रा करना है इस वीडियो में सिखा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस ड्रा कर दीजिए वही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफिनेशन के तहत मैंने आपको तीन चीजें बताई। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, पढ़िए देखिए, यहां जो डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। गुड लक।